हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो बहुत लंबे समय से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब वैकेंसी अपलोड करूं यहां पर रिगार्डिंग द एम्बेसी। तो अब ये समय आ गया है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी पोजिशन निकली हुई है और उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया और आप इसे कैसे मीट करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को आराम से और लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो वैकेंसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में निकली हुई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में मुंबई पोजीशन के लिए निकली हुई है ये पोस्ट जो है, कि इसमें जब भी आप सिलेक्शन होता है आपको तो मुंबई से सर्व करना पड़ेगा। तो मुंबई में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का एक कॉन्सुलेट है, ठीक है। जैसे दिल्ली में एम्बेसी होती है, एम्बेसी की एक तरीके से आप ब्रांच कह सकते हैं, उसको कॉन्सुलेट कहते हैं। तो वहां पर मुंबई में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो वहां पर एक पोस्ट है, ठीक है, पासपोर्ट एंड काउंसलर ऑफिसर की, काउंसलर एंड पासपोर्ट ऑफिसर ऐसे करके एक पोस्ट है। तो ये निकली हुई है, इसको फिल करने के अभी 9 to 10 days बाकी हैं, ठीक है। मुंबई बेस्ड पोजीशन है और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी की रेंज है 57,000 से लेके 67,000 समथिंग की, ठीक है। तो सैलरी भी काफ़ी लिक्रेटिव ऑफर कर रहे हैं। तो ये पोजीशन निकली हुई है। अब इस पोजीशन को के को आप फिल कैसे करेंगे, कहाँ पर ये मिलेगी, ये सभी मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप गूगल, अपना गूगल क्रोम या ब्राउज़र जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं वो ओपन कर लेंगे। वहाँ पर डालेंगे कि वैकेंसी इन द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली, इसके नाम से डालेंगे। तो जैसे ही ऑफिशियल उसकी वेबसाइट आ जाएगी ऊपर की तरफ ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल डाउन जब करते हैं तो वहाँ पर एक साउथ वेस्ट एशिया करके ब्लू कलर का लिंक आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारी पोजीशन निकल के आ जाएंगी। तो जैसे ही सारी पोजीशन आ जाती हैं आप स्क्रॉल डाउन करेंगे मुंबई में, ठीक है, मुंबई लोकेशन लिखी होगी लेफ्ट हैंड साइड पर। एक पोजीशन होती है जो मैंने आपको बताया काउंसलर एंड पासपोर्ट ऑफिसर, वो पोजीशन आएगी, ठीक है। उसमें एक पीडीएफ अटैच रहती है, उस पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी और उस पीडीएफ में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको जो रिक्वायरमेंट है वो एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि काउंसलर एंड पासपोर्ट ऑफिसर के जो वर्क होता है वो क्या होता है। देखिए, जो भी जब आप ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में जाते हैं तो यानी आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के लिए वर्क कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स इन द सेंस कि एक एम्बेसी में, एक कॉन्सुलेट में जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, जिन्हें डिप्लोमेट भी कहते हैं, और उनकी वाइफ हो गए, उनके चिल्ड्रंस हो गए, ये भी वहाँ पर रहते हैं। और कुछ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स वैसे भी इंडिया में विजिट करने आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पासपोर्ट के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, तो भी उसमें आपको अपनी सर्विस उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। तो जैसे कि मान लीजिए पासपोर्ट से रिलेटेड, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आए, उनका पासपोर्ट मिस हो गया, ठीक है, कहीं पर खो गया, कहीं छूट गया, या किसी वजह से उनका जो पासपोर्ट है वो डैमेज हो गया, तो इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरी होती है आप उसे शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बताते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव वे है, इस जरिए से आप अपने जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जो डिप्लोमेट होते हैं वहाँ के डिप्लोमेट, उनका भी जो पासपोर्ट होता है उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है या वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है, तो उसमें आप उनकी जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपके जो कस्टमर रिलेशन, जो भी आपकी स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए कि आपको बात किस तरीके से करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होगी आपकी। तो काउंसलर और पासपोर्ट, काउंसलर का मतलब वही काउंसलिंग करना, पासपोर्ट और वीज़ा से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती हैं, और पासपोर्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी ऑस्ट्रेलिया में मेन वीज़ास होते हैं, ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म वीज़ा हो गया, जिनको डी वीज़ा होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म वीज़ा, सी वीज़ा हो गए, ऐसे करके ना कई सारी कैटेगरी होती है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे उसे। वीएफएस की वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस की वेबसाइट पे आप इजीली एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली कि आपको वीज़ा से रिलेटेड नॉलेज पूछी जा सकती है कि अगर आप इस वीज़ा सेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई अप्लाई करता हो, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इससे रिलेटेड आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करने के बाद ही आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और आप इजीली वहाँ जवाब भी दे सकते हैं। तो ये तो रही पोजीशन। अब इसके रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो जिस किसी ने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, ठीक है,
और किसी भी रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स का हो, साइंस का हो या फिर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है वहाँ पर। स्किल्स क्या क्या मांगे गए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस मांगा गया हो कि 2 साल का, 3 साल का। मोस्टली यही होता है कि जब भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन या किसी ब्रिटिश हाई कमीशन में वैकेंसी निकलती है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन इस पोजिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर यू टू गो थ्रू अबाउट द टाइप ऑफ वीज़ाज, ठीक है। उसके वीज़ा के बारे में स्टडी कर लेंगे। पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो गया, एक जनरल सिटीजन्स का पासपोर्ट हो गया, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक पासपोर्ट हो गए, तो इन सब के बारे में आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। 3-4 टाइप के जो भी पासपोर्ट होते हैं, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में तो आप उसको इजीली बता सके। और आप में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के डिमांड की गई है कि पहले क्या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, मतलब इन द सेंस कि किसी के भी पास एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड का, तो वहाँ पर बता सकते हैं। या आपने कॉलेज में कोई एक्टिविटी की हो, वहाँ पर आपकी लीडरशिप कैसी थी, ठीक है, कोई आपको टास्क मिला आपने उसको कैसे हैंडल किया, तो ये सब जो लीडरशिप क्वालिटी है ये रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि एक छोटी टीम होती है वहाँ पर, उनके अमंग आपको काम करना पड़ेगा। आप कैसे टाइम लिमिट के अंदर अपने जो वर्क होती है, गिवन वर्क है, उसको कंप्लीट करते हैं, ये इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की तो है ही, क्योंकि काउंसलर होंगे, डिप्लोमेट होंगे, तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो सब अगर आप उस पर फोकस करेंगे देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस इंटरव्यू। और यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप जैसे ही उस पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही लॉग इन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन करने से पहले आपको अकाउंट वही क्रिएट करना पड़ेगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, और वन बाय वन आप पेज पे क्लिक करते रहेंगे तो उसके 6 या 7 स्टेप होते हैं, ठीक है, 7-8 स्टेप होते हैं, वो सारे आपको फिल करने होंगे इन्फॉर्मेशन। उसमें जो मेन पार्ट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो वो अभी 8-9 दिन का समय रहेगा तो आप इजीली उनको फिल कर सकते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बारे में बताना, कुछ एग्जांपल्स, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताना है कि, और कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया था आपने कैसे कम समय में उसको अपनी लीडरशिप स्किल, टीम लीडरशिप स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के जरिए उसको कैसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है, विदाउट सीनियर गाइडेंस, तो ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर जवाब देने होंगे। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बतानी पड़ेगी, 1-2 उसमें रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस देने पड़ेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल की जाएगी, इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं वहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशन आपके लिए बता दूंगा। और अगर ज़्यादा डिफिकल्टी हुई तो मैं फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी, वो भी आपको डिटेल्ड में बता दूंगा। तो ये थी इस पोजीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन, और बहुत ही अच्छी पोजीशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी मोस्ट प्रोबेबली आप अप्लाई करें इस पोजीशन के लिए और इस पोजीशन को होल्ड करें। और परमानेंट पोजीशन है, ऐसा भी नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, परमानेंट पोजीशन है, तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और इसी तरीके से जॉब रिलेटेड वीडियो को के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।